हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो सर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में दो पॉइंट्स जो कि हमने, जैसे लास्ट क्लास में एक वीडियो बनाई थी जब हमने सबवेंशन स्कीम की, तो उसमें से दो पॉइंट्स हैं। एक तो हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट के से रिलेटेड, कि इंटरेस्ट कितने होते हैं सबवेंशन स्कीम में, प्लस रीज़न क्या है सबवेंशन स्कीम का, वाई सबवेंशन स्कीम केम इन टू फैक्ट। तो सर, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हमको इसमें डिस्कस करने हैं, कि सबवेंशन स्कीम पे इंटरेस्ट क्या होता है और रीजन क्या है। तो ये दो पॉइंट सर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सर देखिए जरा, आज तो सबसे पहले सर हम लास्ट वीडियो का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था जल्दी से। ये देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सबवेंशन स्कीम में पढ़ा था कि देयर आर थ्री पार्टीज, परचेजर, बैंक एंड डेवलपर। तो परचेजर हमारा बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है, और डेवलपर को बैंक क्या देता है, लोन देता है, और किसके नाम पे देता है, परचेजर के नाम पे, यानी अमाउंट डिसबर्स होता है डेवलपर को। तो हमको इसमें देखना है क्या फुल अमाउंट डिसबर्स हुआ था या फिर पार्शियल पेमेंट्स होती थी। तो आंसर इज कि फुल अमाउंट डिसबर्स नहीं होता था, फुल अमाउंट पहले डिसबर्स होता था, लेकिन जब से आरबीआई की लेटेस्ट गाइडलाइंस आई है उसके बाद क्या होता है, पार्शियल पेमेंट्स होती हैं डेवलपर को, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस करता रहता है। तो अब हम अगर बात करें कि सबवेंशन स्कीम में इंटरेस्ट कब तक चलता है, तो मैंने आपको बताया था कि मिस्टर जी और मिस्टर ए के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था फ्लैट फ्लैट से रिलेटेड, उसमें क्या होता है कि मिस्टर जी जब तक फ्लैट का पोजीशन हैंडओवर नहीं कर देंगे मिस्टर ए को, तब तक मिस्टर जी को ही बैंक को इंटरेस्ट की पेमेंट करती रहनी पड़ेगी। सही है सर? तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इतना। तो आइए अब हम जरा अपनी वीडियो को, आज का टॉपिक जो है उसे शुरू करते हैं। तो सर मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट ऑन सबवेंशन ये जो टॉपिक है ये आया कैसे। एक्चुअली लास्ट वीडियो में ना कुछ व्यूअर्स कहने लगे कि हमको ये समझना है कि कितने इंटरेस्ट ऑन सबवेंशन किस तरीके से काम करता है, तो इसलिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो देखते हैं सर। तो तीन तरीके के, मैं आपको बताऊं, तीन तरीके के इंटरेस्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। पता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तीन तरीके के इंटरेस्ट कह रहा हूँ? जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज देखोगे ना, जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और अकाउंटिंग एंट्रीज आप कह लीजिए, जब हम वो चेक करते हैं, जब जब भी हम ऑडिट करने जाते हैं, तो उसमें तीन तरीके के इंटरेस्ट हमको मिलेंगे। मतलब उनकी बुक्स में तो दो ही तरीके के, बट इस स्कीम में तीन तरीके के इंटरेस्ट है। कैसे, अब आप वो समझने की कोशिश कीजिए। देखो, आज हम एक एग्जाम्पल से ले रहे हैं इसको। सपोज कि बैंक से जो मिस्टर जी का एग्रीमेंट है वो 3 साल का है, वो कहते हैं कि मैं 1/4/2014 में, उन्होंने क्या किया, लोन लोन लिया था, परचेजर ने लोन लिया था, और 31/3/16 तक का वादा था कि 2 साल बाद, 2 साल बाद ये मिस्टर जी जो थे डेवलपर, वो ये कह रहे थे कि मैं पोजीशन हैंडओवर कर दूंगा बायर को, बैंक को उन्होंने बोला। तो अब क्या हुआ, तो बैंक ने क्या कहा, ठीक है, इतना यहाँ तक का इंटरेस्ट आप, कौन बियर करेगा, मिस्टर जी बियर करेंगे। बट हुआ क्या, एक तो इंटरेस्ट ये हो गया, फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरेस्ट है। हुआ क्या, मिस्टर जी नहीं कर पाए सेकंड केस में। ये केस वन था, ये केस वन था, ये केस टू है। अब हुआ क्या, मिस्टर जी जो है वो नहीं कर पाए, और उन्होंने थोड़ा सा टाइम और ले लिया, यानी उन्होंने 31/3/17 को पोजीशन हैंडओवर किया। तो अब बात आती है कि इतने को कौन बियर करेगा, तो इस इंटरेस्ट को भी कौन बियर करता है, मिस्टर जी बियर करेंगे। तो यही तो सबवेंशन स्कीम का फायदा है, क्योंकि अब लायबिलिटी आ जाती है हमारी डेवलपर पे। तो जब डेवलपर पे लायबिलिटी होगी तो डेवलपर को काम जल्दी से खत्म करके देना पड़ेगा, तो इसलिए वो क्या करता है, कोशिश करता है कि यहीं तक खत्म हो जाए, यानी 31/3/16 तक का ही खत्म हो जाए, यहाँ तक उसे ना जाना पड़े। बट होता है यार, ये भी होता है, ये भी मिलेगा आपको बुक्स में, तो हमें ये भी चेक करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस बुक जो है इसका, वो हम इस वीडियो में नहीं देख रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, आगे जो वीडियोज आएंगी। बस आज सिर्फ ये पॉइंट मुझे समझाना था। और एक पॉइंट, एक केस थ्री आता है कि अब एक बार बताओ कि इंटरेस्ट तो इसने पे कर दिया। पता है एक व्यूअर ने बोला मेरे को कि सर एक बार बताओ आप, जो जैसे ये ब्याज तो पे कर दिया, तो क्या जब बायर बायर जो होगा उसे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? नहीं, आपने गलत समझे, इसको समझने की कोशिश करो। देखो, ये इंटरेस्ट तो सिर्फ इस पीरियड का है ना, जो बैंक ने इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया और पेमेंट दी, तो वो यहां तक की थी बस, जब तक पोजीशन हैंडओवर नहीं हुआ था। इसके बाद अगर लोन आगे चलेगा, अगर लोन मान लो है कि भाई हाँ अभी अमाउंट सारा नहीं पे कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर
लोन आगे चलेगा तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। फिर मान लो यहाँ से जब बायर को पोजीशन हैंडओवर हो गया, बायर को पोजीशन हैंडओवर हो गया तो यहाँ से भी तो आगे चलेगा ईएमआई बनेंगी। ठीक है, ईएमआई जब बनेंगी ना, ये अब मेरी बात सुनो आप। मान लो हम मानते हैं ये केस 2 यहाँ तक आ गया था ना, कि मतलब यहाँ तक का इंटरेस्ट किसने बियर करा था, हमारे कंस्ट्रक्टर ने। बट अब यहाँ का इंटरेस्ट कौन बियर करेगा, इससे आगे का जो बायर है वो बियर करेगा। तो यानी प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट जो होगा उसकी ईएमआई बन जाएंगी। ठीक है, तो 3 तरीके के इंटरेस्ट कौन से हुए, एक तो जब तक उसने वादा किया था मैं दूंगा, अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ा, और तीसरा इंटरेस्ट होता है जो हमें बायर को, जो बायर पे करेगा बैंक को, ना कि कौन करेगा, कंस्ट्रक्टर पे करेगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देख लीजिए कि थर्ड इंटरेस्ट जो होता है वो बायर पे करेगा सर। और हाँ, अगर कुछ ऐसा है कि मान लो बायर कह रहे हैं नहीं मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं पे करना, मतलब बेसिकली हुआ क्या कि उसने यहाँ इस पॉइंट पे आके क्या करा, सारा का सारा लोन का पैसा बैंक को दे दिया, तो उसे कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं। ऑल्दो हमें इस इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में थोड़े ना आएगा, हमारी बुक ऑफ अकाउंट में तो ये वाला इंटरेस्ट आएगा ना भाई, ये वो जो हम यहाँ पे करेंगे, तो हमें ये वाला देखना है। ठीक है, तो ये हमारा था कि 3 तरीके के इंटरेस्ट कौन से होते हैं, इस वीडियो में ये क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक है कि रीजन क्या थे, सबवेंशन स्कीम क्यों लाई गई थी। तो देखो सर, होता क्या था, मान लो एक हमारे मिस्टर ए हैं, तो हमारे मिस्टर ए हैं, अब ये रेंट पे रहते हैं। अब इनकी वाइफ बोली मेरे को फ्लैट दिला दो ना, तो अब होगा क्या कि अब ये इन्होंने सबवेंशन स्कीम के अंदर ऑप्ट किया, इन्होंने सबवेंशन स्कीम के अंदर ऑप्ट किया, और हुआ क्या, अब देखो अगर सबवेंशन स्कीम नहीं होती तो इसको फ्लैट की ईएमआई भी फिल करनी पड़ती, प्लस रेंट भी देना होता, तो इस पर डबल लोड हो जाता ना। तो अब इसी लोड को कम करने के लिए तो सबवेंशन स्कीम आई है। इससे अब होगा क्या, जो हमारे मिस्टर ए हैं इन पे दोनों लोड नहीं पड़ेंगे, यानी जब इनका फ्लैट बन रहा होगा तो उस टाइम का इंटरेस्ट कौन बियर कर रहा होगा, डेवलपर। और जिस दिन इनका फ्लैट यहाँ तक बन गया तो इसके बाद तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर ही जाएंगे अपना, तो इसके बाद का तो भैया इंटरेस्ट ये अब इंटरेस्ट बियर करेंगे, अब ये रेंट अपना इनका खत्म हो जाएगा। और पहले क्या हो रहा था, रेंट भी इन्हीं को बियर करना था और अपने इंटरेस्ट भी इन्हीं को बियर करना था, तो उसी को खत्म करने के लिए सबवेंशन स्कीम आई थी। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर के पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो पैसा वहां ब्लॉक कर दे। अब क्या होता है, उसको पता है अभी मेरे को पैसा तो मिलना ही है, तो वो लोन के थ्रू उसको मिल जाता है पैसा, तो इसलिए सबवेंशन स्कीम का। आई होप कि आपको ये वीडियो से क्लियर हो गया होगा ये 2 चीजें, कि इंटरेस्ट कैसे डील होता है और हमारा रीजन क्या था सबवेंशन स्कीम का। थैंक यू सो मच गाइस, एंड कीप सपोर्टिंग एंड सर लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, और आपको नीचे एक रेड बटन दिख रहा है प्लीज उसे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय।